जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, आला नेताओं ने जो विश्वास मुझ पर बनाया है उसको सामने रखते हुए लोगों को मैं भरोसा दिलाता हूं कि अपने पूरे अनुभव व उत्साह के साथ पार्टी संगठन को शिखर पर ले जाने का प्रयास करूंगा और प्रकोष्ठ प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर सौंपी गई जिम्मेवारी को बेहतर तरीके से निभाऊंगा। मेवात के अधिकारों और हकों को दिलाने का काम करूंगा। यह बात फूलमाला और सम्मान पगड़ी स्वीकार करते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद किनारे के बीच प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन चौधरी ने नूह स्वागत समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। जसपा कार्यकारिणी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी बदरुद्दीन, पूर्व मंत्री आजाद मोहम्मद, जेजेपी नेता अमन अहमद व जिला प्रवक्ता एडवोकेट राहुल जैन ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोग विपक्षियों को भ्रामक प्रचार में न आएं और प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने वाली जेजेपी पार्टी को मजबूत बनाए। आज हरियाणा का जन जन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जन कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित है। कार्यक्रम के आयोजक जेजेपी नेता नासिर हुसैन, युवा हल्का प्रधान वसीम अहमद ने भी बताया कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की नीति और सोच की बदौलत हरियाणा के लोगों के मन में जेजेपी ने अपनी खास जगह बना ली है। नूह हल्का प्रधान आस मोहम्मद व अल्पसंख्यक सेल जिला प्रधान जान मोहम्मद ने भी अपने निवास स्थान पर मोहसिन जी का स्वागत किया। इस मौके पर नूह हल्का प्रधान आस मोहम्मद इंसो, जिला प्रधान साकिर हुसैन, अल्पसंख्यक सेल जिला प्रधान जान मोहम्मद, प्रदेश महासचिव सिराजुद्दीन सिराज, पूर्व व्यापार प्रधान गणेश दास अरोड़ा, पूर्व महिला प्रधान सरोज, युवा नूह हल्का प्रधान जावेद सलाहेड़ी, अकबर लहरवाड़ी, इरफान कुरैशी, सतबीर ब्रजपाल, नियाजू वीरसिका, राजू कटारिया, साहबुद्दीन घासेड़ा, डॉक्टर हामिद धर्मपाल, बिद्दू डॉक्टर जावेद सद्दीक सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। नूह से जुबैर खान की रिपोर्ट। अगर मैं मेवात की बात करूं तो यहां तो मैं पिछले 20 सालों से चाहे वो प्रभारी के रूप में या मेरे आपस के बहुत ही यहां पे भाई लोग हैं जिनसे मेरा प्यार का रिश्ता है, भाईचारे का रिश्ता है, तो मैं अक्सर आता रहता हूं। लेकिन आज हमारे सीनियर साथी यहां पे बैठे हैं तो जो ये नई जिम्मेदारी दी गई है, इन्होंने कहा भाई हम यहाँ पर खैर मकदम स्वागत करना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा जी ठीक है, इस बार में सभी साथियों से मुलाकात भी हो जाएगी और सबसे आप तस्वीर जो गुफ्तगू है हमारी पार्टी की उसके बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं, तो इसी वजह से आज यहाँ पर पहुँचे। पार्टी के जिलाध्यक्ष शामिल नहीं हुए क्या? आज बात हुई थी मेरी, कल भी आज भी, तो वो कोई तबीयत उनकी गुड़गांव में गई हुई है, तो बोल रहे थे कि थोड़ी तबीयत खराब है। फिर हमारे इकबाल जी भी शायद वो भी एडमिट है, इकबाल जिलदार साहब, ऐसे ही मौसम चल रहा है तो ये टाइफाइड मलेरिया और कोरोना का भी मामला चल रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई साथी इतने जब बड़े परिवार में एक आधी साथी को कोई दिक्कत भी हो जाती है। ठीक,